तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं आगरा के रेड फोर्ट में। तो ताजमहल हमने देख लिया और इसके बाद में ये आप जा रहे हैं, दिखाते हैं रेड फोर्ट अंदर से कैसा दिखता है। भाई साहब बाहर से बहुत ही ज़बरदस्त बना है, अब चलते किले के अंदर और आपको दिखाते हैं कि अंदर से रेड फोर्ट कैसा दिखता है। बस ये वाला रास्ता देखो कितना गजब का लग रहा है ना। जो ये दीवारें हैं वो कागजी जो ईंटें होती हैं उनकी बनी हुई हैं और देखने में कितनी ज़्यादा सही लग रही है, एकदम दूर तक दिख रहा है। रेड फोर्ट के अंदर हमको देखो देखे देखने के लिए क्या मिला, ये है कुआं। भाई साहब जाली देख रहे हैं, जितनी बड़ी इसकी जाली है ना, इतना बड़ा कुआं है और इसके अंदर झांक के हमने देखा तो पानी दिख नहीं रहा है। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा गहरा है और तो बड़ा तो इतना है जितना पूछिए मत। जितनी ये गोल गोल जाली देख रहे हैं ना, ये पूरी 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 जाली इसमें लगाई गई है कि इसमें कोई गिरे नहीं। भाई साहब बहुत ज़्यादा गहरा है ये। तो गाइस यार ये रखी है, ये है ब्रिटिश तोप। अब आपको मैं तोप दिखाता हूँ तोप कैसी है। भाई साहब ये देखिए, ये है तोप। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी तोप छोड़ गए। और इसमें गोला तो नहीं दिख रहा है हमको, पानी की बोतलें वगैरह इसमें पड़ी हैं। तो भाई साहब अंग्रेज़ों के ज़माने की ये तोप है, अंग्रेज़ चले गए लेकिन इसको ले जाना भूल गए हैं। तो भाई साहब ये देखिए तोप दिखती कैसी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा इस यहाँ पे एक छेद होता था, उसमें आग लगाई जाती थी और ये तोप काम करती थी। तो भाई साहब कितनी भयंकर होती थी पहले की तोपें। सर मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसको बोलते हैं दीवाने आम। पहले के टाइम पे इस बिल्डिंग का यूज़ किया जाता था सभा और मीटिंग वगैरह करने के लिए। तो भाई साहब बहुत ही गजब का इसमें काम किया गया है, आर्किटेक्चर जो भी है बहुत ही सही है इसका। तो आइए आपको पास दिखाते हैं। भाई साहब बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन इसमें बनाई गई है, चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं।
भाई साहब मेरे पीछे आप दरवाज़ा देख पा रहे होंगे, ये जाता है दीवाने आम की छत पे, वहाँ से अभी आपको मैं ताजमहल दिखाऊंगा भाई साहब, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू बनता है। तो चलिए आपको मैं ताजमहल दिखाता हूँ चल के दीवाने आम की छत से। साहब मेरे पीछे जो दरवाज़ा देख पा रहे हो ये है पुराने ज़माने की जेल, पहले इसमें बंदियों को रखा रहता था लेकिन अब ये पूरी तरीके से बंद है। और मुझे मैंने अभी इसमें झांक के देखा ना तो मुझे ये तरीके से सुरंग लग रही थी, है इसमें एक के बाद एक मुझे कई कमरे नज़र आ रहे थे और अंधेरा था ज़्यादा तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं। तो फिर पता करा मैंने तो मुझे पता लगा कि ये पुराने ज़माने की जेल थी, अब पूरी तरीके से ये बंद है, अभी इसको यूज़ नहीं किया जाता। तो गाइस यार अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक स्पेशल चीज़, क्योंकि ये जो रेड फोर्ट है ना यहाँ से जो ताजमहल है ना अपना वो दिखता है भाई साहब, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता है। कि देखिए पीछे यमुना जी बह रही हैं और वो जो सब वाइट कलर का दिख रहा है ना वो है अपना ताजमहल। तो भाई साहब मैं आपको बैक कैमरा दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता है यहाँ से। तो गाइस यार बात करते हैं अब यहाँ के टिकट की, तो भाई साहब यहाँ लगता है सिर्फ 50 रुपये, एक बार आप 50 रुपये दे देंगे इसके बाद भी आपसे कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा और आप पूरे किले में घूम सकते हैं। और 50 रुपये ताजमहल का भी चार्ज है, और ताजमहल के जब आप ऊपर जाओगे ना तो वहाँ पर 200 रुपये अलग से चार्ज किए जाते हैं, और बाकी आपकी चॉइस है आप ऊपर जाते हो कि नहीं जाते हो। गाइस यार शाम के बज चुके हैं 7 और हमारी ट्रेन है 8:30 बजे। तो भाई साहब इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। और भाई साहब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार, सब्सक्राइबर बढ़वा दो मेरे, अगर एक ऐसे सब्सक्राइबर हो जाते हैं ना तो आप लोग जहाँ कमेंट करोगे मैं वहाँ चलूँगा और वहाँ के आपको वीडियो दिखाऊँगा। तो प्लीज़ यार आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, इसको तो पूरा कर दो आप लोग।